सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट दिख रहे हैं जो अक्षरा और अभिमन्यु के फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और अब आगे मकर संक्रांति वाले सीक्वेंस में ऐसा कुछ होता नजर आएगा जो बहुत सारे दर्शकों को और ज्यादा पसंद आने वाला है, और उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। आपने सीरियल में देखा ही होगा कि कैसे अभिमन्यु गोयनका हाउस में आता है, जहां उसे सीरत की मौत के बाद आरोही और अक्षरा के प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, जहां वो ये जानता है कि आरोही सीरत की मौत का जिम्मेदार अक्षरा को मानती है। और अब अभिमन्यु ने ये फैसला ले लिया है कि वो सीरत और आरोही के बीच के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वहीं सीरियल में आपने देखा ही होगा कि गोयनका परिवार और बिरला परिवार फिर से मकर संक्रांति में एक ही जगह पहुंच गए हैं, जहां बातों बातों में दोनों के बीच ड्रामा क्रिएट होता नजर आ रहा है। वहीं सीरियल में अक्षरा और अभिमन्यु के बीच क्यूट रोमांस भी देखने को मिल रहा है। और आपको सीरियल में मकर संक्रांति में फिर से एक ड्रीम सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है, जहां अक्षरा और अभिमन्यु फिर से रोमांस करते नजर आएंगे। साथ ही अक्षरा और अभिमन्यु ड्रीम में ही शादी करते भी दिखने वाले हैं। लेकिन आपको सीरियल में शादी वाला सीक्वेंस तब तक देखने को नहीं मिलेगा जब तक अभिमन्यु मनीष को इम्प्रेस ना कर ले। आपको अभी सीरियल में दिखाया जा रहा अभिमन्यु और अक्षरा के बीच का क्यूट मोमेंट पसंद आ रहा है या नहीं कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह टीवी सीरियल ये रिश्ते क्या कहलाता है से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।